अब देखिएगा, हम एक्सरसाइज 7B का पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करा था। क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन म्यू अपॉन डिस्टेंस की क्यूब, जो एक्सीलरेशन दे रखा है वो है म्यू अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, यानी कि एक्सीलरेशन एफ इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू यू क्यूब। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन हो चुका है, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एक्स, एफ से फेंका गया है एट ए डिस्टेंस ए। ध्यान दीजिएगा, जो एफ से फेंका गया है उस एक्स की डिस्टेंस जो है वो ए है। एफ पर डी यू अपॉन डी थ्री का 0 होता है और आर की जो वैल्यू है वहाँ पर ए दे रखी है विद वेलोसिटी कैपिटल बी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। शो दैट द पाथ ए, पाथ के दो आंसर है, हाइपरबोलिक में है और एक सिंपली कॉस में है। दो आंसर है तो दो शर्तें देगा, तो वो शर्तें देखेगा अकॉर्डिंग एल बी बी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है लेस देन ग्रेटर देन द वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी, यानी कि इंटीग्रेशन करने से पहले आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो उससे पहले आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है फेंकने का जो वेग है प्रारंभिक वेग कैपिटल बी दे रखा है बुक वाले ने, क्वेश्चन में जो कैपिटल बी दे रखा है वो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फाइनिटी से एक बार लेस देन लेना है और एक बार ग्रेटर देन लेना है। लेस देन की रिजल्ट अलग आएगा और ग्रेटर देन का रिजल्ट अलग आएगा, और ये लेस देन ग्रेटर देन का केस में सबसे लास्ट में बनाऊंगा जब मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत होगी। फिलहाल तो जैसे पहला क्वेश्चन करा था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट लीजिएगा और क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा। ये हो जाता है फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थ्री का स्क्वायर इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर, एफ की वैल्यू डाल दीजिएगा यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थ्री का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, इधर ही रख लेता हूँ मैं और इधर हो जाएगा आपका यू। अब इस लाइन में लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो टू डी यू अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, टू डी यू अपॉन डी थीटा से बिना मल्टीप्लाई करें इसका इंटीग्रेशन नहीं करिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है विद रेस्पेक्ट टू थीटा चल रहा है डिफ्रेंशिएशन और राइट हैंड साइड में आर पड़ा हुआ है। अब यहाँ डाल देते हैं मल्टीप्लाई बाई टू डी यू अपॉन डी थीटा, तो ये हो जाता है टू डी यू अपॉन डी थीटा प्लस टू डी यू अपॉन डी थीटा डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, बाहर एच स्क्वायर बड़ा हुआ है और ये हो जाता है टू म्यू यू डी यू अपॉन डी थीटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग ये हो जाता है एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ दो कट जाएगा न्यू यू स्क्वायर प्लस इवन इक्वेशन वन। और यह लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि ये जो फार्मूला होता है ये वेलोसिटी के स्क्वायर का फार्मूला है, यहाँ पर आपको दो कांस्टेंट निकालने होते हैं, एक एच स्क्वायर निकालना होता है, एक आपको सीवन निकालना होता है, तो दो कांस्टेंट निकालने के लिए दो शर्तें चाहिए, तो यहाँ पर एक टर्म आप अपने पास से बढ़ा लेंगे बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है हमारा बी स्क्वायर। ध्यान रखना है इस वाली लाइन में जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पर मुझे एक टर्म की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है यहाँ पर बी स्क्वायर वाला फार्मूला, वरना मुझे ये वाली टर्म जो है वो अलग जाकर के लगानी पड़ेगी। अब इसमें मैं कांस्टेंट डालता हूँ इनिशियली, इनिशियली एट एन एक्स, जब हम एक्स पर जाते हैं तो डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू 0 होती है, आर की वैल्यू ए दे रखी है, यू इक्वल टू 1 अपॉन ए हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो कैपिटल बी दे रखी है। सारी कंडीशन आप यूज करिएगा, ये बी स्क्वायर हो जाता है, यहाँ एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाता है और यहाँ बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस सेवन। फर्स्ट और सेकेंड टर्म लीजिएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाती है, फर्स्ट और थर्ड टर्म लीजिएगा सीवन की वैल्यू हो जाती है बी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा और बी स्क्वायर वहां लिखने की, ये वाला बी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर चुका है, कांस्टेंट दे चुका है आपको ये। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाता है, यहाँ म्यू यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिएगा
डी यू अपॉन डी थीटा के होल स्क्वायर को अकेला छोड़ दीजिएगा, ये हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर है। ये इधर हो जाएगा म्यू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए टर्म आ जाएगी यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर यू स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा ए स्क्वायर इधर ले जाइएगा ए की पावर फोर वी स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाता है म्यू ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का म्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ ए टू की पावर फोर हो जाती है और ये यू स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे चार टर्म है यहाँ पर फैक्टर कर लीजिएगा एक ये वाली टर्म है एक ये वाली टर्म देख लीजिएगा म्यू कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस का वन बन जाएगा। अब यहाँ पर दो टर्म देख लीजिएगा यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस का वन बन जाता है। अब यहाँ पर आपको फैक्टर बन चुके हैं अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो तैयारी है पूरी पूरी हो गई है। अब एक कंडीशन और अप्लाई करूंगा मैं इंटीग्रेशन करने से पहले तो ये आ जाता है आपका ए टू दी पावर फोर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस वन और इन टू में आ जाता है न्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू। अब दो आंसर हमारे दे रखे हैं एक आंसर में म्यू में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस हो रहा है दूसरी बार में ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से म्यू माइनस हो रहा है तो इसका मतलब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों क्वांटिटी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए हमारी कंडीशन अप्लाई होगी जो क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी कैपिटल बी है वो इनफाइनाइटी वेलोसिटी के एक बार लेस देन है एक बार ग्रेटर देन है। अब आप ये ले लीजिएगा लेट वी वन वेलोसिटी From infinity to r equal to a। अब फार्मूला लगा दीजिएगा v1 square equal to minus to infinite से a हो जाएगा इंटीग्रेशन की लिमिट और यहाँ हो जाएगा f dr minus to infinite से a हो जाएगा f की वैल्यू में mu upon r cube dr है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस से माइनस कटेगा 2 से 2 कटेगा तो लिमिट में आ जाएगा आपका 2 upon a square। अब देखिएगा क्या कंडीशन बनी है यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू जो है म्यू से छोटी है। अब यहाँ देखिएगा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घट रही है आप माइनस बाहर ले लेंगे माइनस इसका माइनस लेकर के इसमें ले जाइएगा बाय इक्वेशन टू ये हो जाता है ए टू दी पावर फोर डी स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाता है वन माइनस ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का न्यू स्क्वायर। अब मैं इसका डबल लेने वाला हूँ ए स्क्वायर बी डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू एक माइनस लगा दीजिएगा अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का न्यू। ये ध्यान निकलिएगा जब मैं अंडर रूट लूंगा तो अंडर रूट के साथ दो साइन आते हैं प्लस माइनस मैं जो अगर मेरा आंसर प्लस अगर आंसर प्लस के फार्मूले का वाला दे रखा होगा जैसे मान लो साइन में है तो मैं प्लस का साइन ले लूंगा लेकिन आंसर कॉस में दे रखा है उसका इंटीग्रेशन तब होता है जब माइनस हो तो यहाँ पर जो है माइनस यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया है। अब ये हो जाता है हमारा यहाँ पर देखिएगा ए डी यू है यहाँ पर ए डी यू यहाँ रख लीजिएगा और अंडर रूट माइनस इधर रख लीजिएगा ये हो जाता है वन माइनस ए यू का होल स्क्वायर यही कर लो। अब इधर हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन ए बी इधर आ जाता है और इधर आ जाता है डी डी का। अब आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स ए यू इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन ए बी थीटा और प्लस कॉन्स्टेंट डाल दीजिएगा सी टू। अब ए अपॉन यू पड़ा हुआ है यू को कन्वर्ट कर दीजिएगा आर में तो ये हो जाता है कॉस इनवर्स ए अपॉन आर इक्वल टू अंडर रूट
अब यहाँ पर देखिएगा कांस्टेंट निकालने जा रहा हूँ मैं, कांस्टेंट में कांस्टेंट निकालने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या जितने भी क्वेश्चन बुक में दिए होते हैं वो सब प्रूफ दैट होते हैं। तो जैसे कांस्टेंट के लिए मुझे आर की जरूरत है तो इनिशियली आर इक्वल टू तो ए होगा, लेकिन थीटा मेरे हाथ में है, थीटा हमें हमेशा इस तरह से चुनना होता है कि हमारा आंसर जो है वो मैच कर रहा है। अब हम ये ले रहे हैं इनिशियली आर इक्वल टू ए, ये तो मेरी गिवन कंडीशन है, और थीटा इक्वल टू जीरो मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाता है मेरा कॉस इनवर्स वन इक्वल टू जीरो प्लस सी टू, ये थीटा की वैल्यू जीरो डालती है तो सी टू की वैल्यू हो जाता है जीरो बाय इक्वेशन टू। अब इसे इक्वेशन नंबर टू में डाल दीजिएगा, ये जीरो में चला जाएगा, इसे इधर ले आइएगा तो ए इक्वल टू हो जाता है आर कॉस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन ए बी थीटा। ये हमारी पहली वैल्यू जो है वो प्रूव हो चुकी है। अब सेकंड केस में लीजिएगा, फर्स्ट केस में आपने क्या किया था बी लेस देन बी वन, आप कंडीशन पलट दीजिएगा ए बी ग्रेटर देन बी वन, इसको इम्प्लाइज आप देखिएगा रिजल्ट यहाँ से उल्टा हो जाएगा। यहाँ से अब आपकी कंडीशन होगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन म्यू। अब यहाँ देखिएगा इक्वेशन नंबर टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन, अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर छोटा आ रहा था लेस देन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मेरे से कंडीशन जो है मेरे से गलत हो गई है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का म्यू है यहाँ पर अपॉन ए बी, यहाँ कंडीशन में यहाँ बी लेस देन बी वन था बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर छोटा था और यहाँ म्यू बड़ा था। देखिएगा यहाँ से मेरी कंडीशन थोड़ी सी गलत हो गई है, फार्मूले उल्टे हो चुके हैं। यहाँ पर इफ बी लेस देन बी वन है ना, तो यहाँ पर आप कंडीशन डालिएगा ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर म्यू से बड़ा है तो छोटे में से बड़ा कट रहा है जो कि गलत है, यानी कि माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ मैं उल्टा कर देता हूँ, बी लेस देन बी वन है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेस देन हो जाएगा म्यू से। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर छोटी क्वांटिटी है, अब छोटी क्वांटिटी माइनस हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इक्वेशन नंबर टू में जाकर के मैं अंडर रूट लेने वाला हूँ बाय इक्वेशन टू, ये हो जाता है ए स्क्वायर बी डी यू अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पर जो आंसर है कॉस हाइपोलिक इनवर्स माना है, कॉस हाइपोलिक माना है तो मुझे माइनस की कोई आवश्यकता यहाँ नहीं है, तो अब मैं माइनस नहीं लूंगा यहाँ पर। अब ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर ए डी यू यहाँ रखिएगा और अंडर रूट यहाँ पढ़िएगा ए यू का होल स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी और डी थीटा, फिर वही काम करिएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए यू इक्वल टू अंडर रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी थीटा और प्लस सी थ्री, यू को वन अपॉन आर में तोड़ दीजिएगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ए अपॉन आर इक्वल टू अंडर रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी थीटा प्लस सी थ्री, ये इक्वेशन नंबर आपकी फोर हो जाती है। यहाँ पर इक्वेशन का नंबर गलत लिखा गया है, तीन में रखना था ये, अब ये फोर हो गई है। फिर कंडीशन लीजिएगा इनिशियली आर इक्वल टू ये डालिएगा थीटा इक्वल टू जीरो डालिएगा देन सी थ्री इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट आपका फिर जीरो हो जाता है बाय इक्वेशन फोर। इक्वेशन नंबर फोर में जब रखेंगे तो कॉस हाइपोलिक इनवर्स को इधर ले जाइएगा फिर आर को इधर ले जाइएगा, ए इक्वल टू हो जाता है आर कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट म्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए बी थीटा, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रूव हो जाता है। ये बड़ा क्वेश्चन है, दो बार एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन बन चुका है, ये इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन था। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर है, इन ए सेंट्रल ऑर्बिट द फोर्स इज, फोर्स का मतलब यहाँ पर एसिलेशन से लेना है, ये वैल्यू हो गई हमारी एफ इक्वल टू म्यू यू, यू स्क्वायर तो बाहर रख लीजिएगा चूंकि इसे तो डिवाइड करना है,
और यहाँ हो जाएगा 3 म्यू प्लस 2 ए स्क्वायर यू क्यूब। एक यू स्क्वायर तो बाहर रखा है, एक यू में अंदर ले गया हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, अभी तक जो दो क्वेश्चन कराए गए थे उसमें जब पार्टिकल को फेंका था तो एफ से फेंका था। इन क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी होती है कि जब पार्टिकल को फेंकता है वो दो में से एक बात कहता है। एक बार तो वो एप्स कह देता है जहाँ पर डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू जीरो होती है, और दूसरी तरह के क्वेश्चन ये होते हैं जिसमें वो एंगल देता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आगे पढ़वाऊंगा मैं, तो इसमें एंगल दिया जाएगा। अब आप सीखेंगे कि एंगल अगर दिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है। आप देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस ए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो पार्टिकल को फेंक रहा है वो ए डिस्टेंस से फेंक रहा है, ये आर की वैल्यू हो गई ए, विद द वेलोसिटी, इस वेलोसिटी पर ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपके अंदर फाइव म्यू अपॉन ए स्क्वायर है। अब अगली लाइन ध्यान से देखिएगा, इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल टेन इनवर्स 1/2 विद द रेडियस वेक्टर। जब पार्टिकल को फेंका जाता है किसी भी वेलोसिटी से तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट के साथ होती है। अब वो कह रहा है कि पार्टिकल को जो फेंका गया है वो अंडर रूट 5u/a² वेलोसिटी से फेंका गया है ना, इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल टेन इनवर्स 1/2 विद द रेडियस वेक्टर। और जब पार्टिकल को फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियस वेक्टर के साथ टेन इनवर्स 1/2 का एंगल बना रही होगी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट पर होती है, और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो बीएससी पार्ट 1 के कर्वेचर के अकॉर्डिंग फाई कहलाता है। तो दूसरे तरह के क्वेश्चन ये होते हैं जिसमें एंगल मिलता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एंगल मिलता है तो आप उसकी वैल्यू फाई में लेकर के जाएंगे, ये हमारी इनिशियल कंडीशन होगी जो हमारा कॉन्स्टेंट निकालने में प्रयोग होगी। शो दैट इक्वेशन टू द पार्ट ए, आंसर में ध्यान रखिएगा आर इज इक्वल टू लाना है आपको ए टेन थीटा, सिंपल आंसर है। आंसर में देखिएगा मेरे पास एसेलेशन आ चुका है, अब मैं लेने चलता हूं फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन और सेंट्रल ऑर्बिट, फार्मूला लगा देता हूं मैं, एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ एफ अपॉन हो जाएगा यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर कट जाएगा तो न्यू हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3u+2a² u³। अब आप करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2du/dθ इंटीग्रेटिंग। अब एक एक लाइन मैंने यहाँ छोड़नी शुरू कर दी है क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि v² लिख देंगे, ये h² ये हो जाता है u² + du/dθ² आप देखिएगा इंटीग्रेशन करते समय ध्यान रखिएगा आपने इनके मल्टीप्लाई में 2 और आ चुका है। अब यह u का इंटीग्रेशन u² / 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो u के साथ आ जाएगा 3u² + 2 बाहर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 4 हो जाएगी, u³ का इंटीग्रेशन u⁴/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा a² u²⁴ + c₁। अब ये मेरी कंडीशन आ चुकी है। अब कंडीशन आने में मेरे पास वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस मेरी आर पता है, लेकिन अभी ये वैल्यू जो है मेरे पास नहीं है। अब यहाँ देखिएगा इस एंगल के बारे में बात करिएगा इनिशियली, या इनिशियली के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले ये लिखते हैं वी है, दो फार्मूले को इक्वल करने वाला हूँ, एक तो हमारा p = r sin ∅ फार्मूला था बीएससी पार्ट 1 से, और दूसरा फार्मूला हमने आरटीपी में डराइव करा था u² + du/dθ² = 1/p²। ये हमारे बीएससी सेकंड ईयर का फार्मूला है और ये हमारे 12th का फार्मूला है, इन दोनों फार्मूले को इक्वल कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाता है u² + du/dθ² अब ये 1/p² की वैल्यू है, यहाँ पर देख लीजिएगा आर साइन फाई है तो ये आपका हो जाता है cos²∅ cos²∅r² हो जाता है। अब यहाँ पर आप इनिशियली कंडीशन लगाने वाले हैं, इनिशियली r की वैल्यू तो a दे रखी है, ∅ इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स 1/2, यहाँ से tan ∅ इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिएगा 90 ∅ परपेंडिकुलर बेस, और ये हो जाएगा यहाँ से √5, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिएगा। अब मुझे जरूरत दीजिएगा cos ∅ की,
अब यहाँ से cos f phi की वैल्यू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये हो जाता है मेरा अंडर रूट पार। अब cos f phi की वैल्यू इस r की वैल्यू को यहाँ डाल दीजिएगा और ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये इनिशियल वैल्यू आ जाएगी जो कि कॉन्स्टेंट के रूप में होगी। अब हमारी कंडीशन बन जाती है इनिशियली r इक्वल टू a हो जाता है, u स्क्वायर प्लस du अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 5 बटे a स्क्वायर। अब ये वाली जो कंडीशन है r इक्वल टू a हो गया है तो यहाँ पर ये भी बढ़ा दीजिएगा u इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन a। अब इन वैल्यू को लेकर के और यहाँ पर ये भी बढ़ा दीजिएगा वेलोसिटी इक्वल टू है अंडर रूट 5 म्यू अपॉन a स्क्वायर। वेलोसिटी दे रखी है, सारी चीजें लेकर के आप चलिएगा। देखिएगा दो तरह के सवाल हो गए, दो तरह के क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन वो है जिनमें एक्स मिलता है उसमें डी यू बटे डी थीटा जीरो होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्स नहीं मिल रहा है एप्स नहीं मिल रहा है तो वो आपको एंगल जरूर देगा। आप देखेगा यहाँ पर एंगल था तो दो फार्मूले इक्वल करके इस विधि से हमारा मान निकाला जाता है। ये एंगल निकालने का एंगल की हेल्प से मेथड है, इनिशियल कंडीशन निकाल लेगा। अब यहाँ से आ जाइएगा बाई इक्वेशन वन बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है फाइव बी अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ देखिएगा ये पड़ा हुआ है यहाँ पर वैल्यू हो जाती है फाइव एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देख लीजिएगा यू की वैल्यू डाल दीजिएगा वन अपॉन ए तो ये हो जाता है न्यू थ्री अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस सेवन। अब इन दोनों टर्म को इक्वल करिएगा पाँच से पाँच कटेगा ए स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा एच स्क्वायर की वैल्यू न्यू आ जाती है। अब यहाँ देखिएगा तीन बार एक चार चार बटे ए स्क्वायर है पहली और तीसरी टर्म लीजिएगा इसके साथ इसे कनेक्ट करिएगा तीन और एक चार हो जाएंगे जबकि क्या है पाँच पाँच में से चार जाएगा तो ए तो यहाँ पर सी वन की वैल्यू हो जाती है न्यू अपॉन ए स्क्वायर। दोनों कॉन्स्टेंट अब क्या आ चुके हैं इक्वेशन नंबर वन में जाइएगा और बी स्क्वायर अब मत लिखिएगा इक्वेशन वन में एच स्क्वायर की वैल्यू न्यू हो जाती है यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर देख लीजिएगा न्यू है ये हो जाता है थ्री यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर यू की पावर चार हो जाती है प्लस सी वन की वैल्यू आ जाती है म्यू अपॉन ए स्क्वायर म्यू इधर से म्यू आकर के कट जाता है यहाँ यू स्क्वायर बचेगा इसे इधर ले जाएंगे डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू थ्री यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर माइनस हो जाएंगे तो ये टू यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर यू की पावर चार हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिएगा ये आपको बन जाता है डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर फोर यू टू दी पावर फोर प्लस वन और अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है ये आपका बन चुका है वन प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर डी यू अपॉन डी थीटा लगा करके मैं यहाँ पर माइनस अटैच कर रहा हूँ तो ये हो जाता है वन माइनस ए स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उधर से हट जाएगा तो ये हो जाता है माइनस का ए डी यू हो जाता है माइनस ए डी यू और नीचे हो जाएगा वन प्लस ए यू का होल स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाता है कॉट इनवर्स ए यू इक्वल टू थीटा प्लस कॉन्स्टेंट सी टू ये अभी आपका आ जाता है कॉट इनवर्स ए अपॉन आर इक्वल टू थीटा प्लस सी टू ये इक्वेशन नंबर आपकी दो आ गई है। अब मैं देखिएगा इनिशियली यूज करने वाला हूँ इनिशियली आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू ए यूज करने वाला हूँ देखिएगा आर इक्वल टू ए ये जो वैल्यू ये तो गिवेन होती है यहाँ पर ध्यान रखिएगा आर की जो वैल्यू है वो तो आपको हमेशा मिलेगी लेकिन थीटा जो है वो आपको नहीं मिलता है तो थीटा आप हमेशा इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि आपका आंसर आ चुके। यहाँ पर एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, कोई आंसर अगर टेन में है तो वो कॉट में भी हो सकता है, कोई आंसर साइन में है तो वो कॉस में भी हो सकता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। यहाँ आंसर इस तरह से थीटा इस तरह से चुना जाता है कि आपका आंसर बिल्कुल बुक से मैच कर जाए। अब इसी क्वेश्चन के मैं एक से ज़्यादा आंसर भी दे सकता हूँ। अब आर इक्वल टू ए गिवन है थीटा इक्वल टू जीरो आप देखिएगा आर की जगह ए रखेंगे
आर की जगह अगर ये रखेंगे तो कॉट इनवर्स वन बन जाएगा, कॉट इनवर्स वन की वैल्यू होती है पाई बाई फोर, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पाई बाई फोर से। अब ध्यान से देखिएगा अभी पिछला वाला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था, उसमें थीटा की वैल्यू मैंने जीरो चूज करी थी, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू देखिएगा पाई बाई फोर चूज करी है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में ये देखेंगे कि अब यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट सी टू आएगा उस सी टू को हमेशा मैं जीरो में लेकर के जाऊँगा, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आप थीटा की डाल दीजिएगा और आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाता है कॉट इनवर्स वन इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस सी टू, तो ये हो जाता है पाई बाई फोर इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस सी टू, ये कैंसिल हो जाता है सी टू इक्वल टू जीरो। अब इसे इक्वेशन नंबर दो में डाल दीजिएगा, कोटिंग इनवर्स इक्वेशन टू कॉट इनवर्स ए अपॉन आर इक्वल टू थीटा हो जाता है, ए इक्वल टू हो जाता है आर कॉट थीटा, कॉट को इधर ले जाइएगा, आर इक्वल टू ए टैन थीटा। इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ये क्वेश्चन सेंट्रल ऑर्बिट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको ये 101% क्वेश्चन करके आना है चाहे कुछ भी हो जाए, यानी कि सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये इतने भी सिंपल नहीं है कि आपको आसानी से हो जाए। बस क्या है, आप क्वेश्चन का वीडियो दो बार कम से कम देखिएगा, पहली बार सुनिएगा, दूसरी बार सुनिएगा और आराम के साथ वाच करिएगा उसे, और फिर उसे क्वेश्चन को आप वीडियो से हटने के बाद करने की कोशिश करिएगा, और फिर उसके बाद भी अगर क्वेश्चन आपका नहीं लगता है तो फिर वीडियो की मदद लीजिएगा और फिर उसमें ये देखिएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप पहला क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, लेकिन आप चौथा क्वेश्चन आप किसी भी हद पर गलत नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर दो या तीन सवाल आप कर लेते हैं तो तब तक आपके मेथड जो है वो क्लियर हो चुका होता है और आपका हाथ खुद ब खुद उसी मेथड पर चलने लगता है। आज की वीडियो के लिए दो ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो लेंथी लेंथी है, यानी कि चार या पाँच दिन में जो है हमारा ये चैप्टर शुरू हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर एग्जाम में हम ये मान करके चलते हैं कि 15 नंबर हमें दे देता है, तो इसमें अगर हम 10 दिन का टाइम भी खर्च करते हैं या 8 दिन का टाइम खर्च करते हैं तो 15 नंबर के कंपेरिजन में वो कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमें एग्जाम में करके आना होता है।